मध्य प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव में पूर्व इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में विधायक आकाश विजयवर्गीय ने बुधवार को वार्ड 61 में बनने वाली 20 लाख रुपए की सड़क का भूमि पूजन किया। विधायक से मिली इस बड़ी सौगात पर क्षेत्रवासियों ने पुष्प वर्षा कर विधायक आकाश विजयवर्गीय का आभार जताया। जबरन कॉलोनी स्थित क्षेत्रीय विधायक आकाश विजयवर्गीय ने मीडिया के समक्ष कहा कि वह आगामी 10 दिनों में करोड़ों रुपए के 64 विकास कार्यों के भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार माना और कहा कि इन कार्यों की सौगात मिलने से जनता में खुशी का माहौल है। देखिए 20 लाख की ये सड़क है और बहुत पुरानी मांग थी इस सड़क की, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ के रहवासियों में बहुत खुशी है। बड़ी महत्वपूर्ण सड़क इन्हें मिलने जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमें हमेशा विकास कार्यों में सपोर्ट करते हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, स्थानीय कार्यकर्ताओं को जो हमेशा जागरूक रहकर हमें क्या क्या काम करवाना है, जनता की सेवा कैसे बेहतर से बेहतर करनी है उसकी याद दिलाते हैं, बताते हैं। और ये तो शुरुआत है, कल हमने 50 लाख के काम का भूमि पूजन किया था, एक हनुमान जी के मंदिर का जीर्णोद्धार किया था माननीय सांसद जी के साथ में, और कल से हमने प्रतिदिन दो दो चार चार भूमि पूजन के कार्यक्रम, लोकार्पण के कार्यक्रम तय किए हैं आने वाले दस दिन में हम लोग 64 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने वाले हैं। विकास की गंगा 3 नंबर विधानसभा में बहे, इसका हमने वादा किया था और हम उसी प्रयास में लगे हुए हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी का हमें पूरा सहयोग है, इसलिए हम सफल भी हो पा रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखिए गंगा बहती है और वो ये नहीं देखती कि कौन उससे जल ले रहा है कौन नहीं ले रहा है। यदि आपने श्रद्धा है, भक्ति भाव है, सेवा करने की इच्छा है, जागरूकता है, मेहनत करने की आग है अंदर, तो आप जितना काम कराना चाहे करा सकते हैं। अच्छे काम का कोई मना नहीं करता है, ये मेरा अनुभव है, और क्योंकि हम अच्छे ही काम करते हैं इसलिए हमें कोई मना कभी नहीं करता किसी काम के। आगामी दिनों में पार्षद और महापौर के भी चुनाव है, तो क्या विकास देखिए अब तो पत्रकार बंधु भी समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे ये बात कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता पूरे 5 साल सक्रिय रहता है। हम लोग ऐसे नहीं है कि सिर्फ चुनाव के समय में उठ के आ गए। जब से मैं विधायक बना हूँ तब से एक एक पल और एक एक कण मेरा और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का जनता की सेवा में लगे, ये हमारा प्रयास रहा है और ईश्वर के आशीर्वाद से, हमारे बड़ों के आशीर्वाद से हम अब तक उसमें सफल भी हुए हैं और आगे भी होंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। गौरतलब है कि आगामी दिनों में नगर निगम का चुनाव होना है, ऐसे में एक बार फिर शहर में भाजपा की सरकार बने इसके लिए भाजपा जनप्रतिनिधियों सहित कार्यकर्ता कोई और कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं।